नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पटना में अतिक्रमणकारियों को डरने की जरूरत नहीं, हाईकोर्ट ने डीजीपी को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा। बिहार की राजधानी पटना में अतिक्रमणकारियों को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा गया है। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के डीजीपी को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मौखिक आदेश दिया है। अतिक्रमणकारियों को मिल रही धमकी को देखते हुए कोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। सोमवार को राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी क्षेत्र के दुजरा में सरकारी जमीन पर स्थित तालाब के रूप में चिन्हित स्थान को विकसित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अतिक्रमणकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को फोन पर धमकियां दी जा रही है। ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वहां उपस्थित राज्य सरकार के अधिवक्ता को कहा है कि याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर राज्य के डीजीपी को कहें। इसके साथ ही खंडपीठ ने एक सप्ताह में राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। पटना के जिलाधिकारी और पटना नगर निगम को जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। इसके पूर्व अदालत ने पटना के जिलाधिकारी को 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन करने को कहा है, ताकि कमेटी पूरी स्थिति का पता चला सके। सृजन में बेतहाशा पैसे लूटने वाली एडीएम पर बड़ी कार्रवाई, ईडी ने जब्त की 6.85 करोड़ की संपत्ति, 42 बैंक खातों में था ये सारा माल। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई सामने आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई की है। भागलपुर जिले के सृजन घोटाले मामले में बेतहाशा पैसे बटोरने वाली तत्कालीन एडीएम जयश्री ठाकुर की 6.85 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है। पूर्व एडीएम जयश्री ठाकुर पर जमीन अधिग्रहण की आड़ में गलत तरीके से करोड़ों रुपए की कमाई करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व अपर जिलाधिकारी जयश्री ठाकुर की 6.85 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व एडीएम जयश्री ठाकुर के 42 बैंक खातों, 16 जमीन, 1 फ्लैट और 15 इंश्योरेंस पॉलिसी को जब्त किया गया है। इनके ऊपर पीएमएलए 2002 एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 2017 के अगस्त माह में पहले सृजन घोटाले के खुलासे और फिर आरोपियों में जयश्री का नाम आने के बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया था। छठ की छुट्टियों के बाद ऑफलाइन मोड में खुलेंगे स्कूल, 50% अटेंडेंस की लिमिट भी होगी खत्म। कोरोना जैसी महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई। लगभग 2.5 साल से जूनियर सेक्शन के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में ऑफलाइन मोड में स्कूल खुले तो सिर्फ तीसरे लहर की आशंका से डरे अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। लेकिन अब दीपावली और छठ की छुट्टियों के बाद राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर स्कूलों में जूनियर क्लासेस ऑफलाइन मोड में देखने को मिलेगा। छठ की छुट्टियों के बाद अब जब स्कूल खुलेंगे तो 50% अटेंडेंस की बाध्यता भी खत्म कर दी जाएगी। एलकेजी और यूकेजी की पढ़ाई अब कोरोना महामारी के बाद शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब प्री प्राइमरी के बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। पटना के ज्यादातर स्कूलों ने इसकी तैयारी कर ली है। राजधानी के कई बड़े स्कूलों में ऑफलाइन बोर्ड में क्लास शुरू कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव पहुंचे पटना। इससे पहले बड़े बेटे तेज प्रताप ने कहा, गीदड़ों से कह दो बाहर न निकले, शेर आ रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच गए हैं। पटना पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके दोनों बेटे पटना एयरपोर्ट पर पिता को लेने पहुंचे थे। लालू यादव के पटना आने से पहले उनके बड़े बेटे तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर बड़ा हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ एक फोटो ट्वीट कर यह चेतावनी दी है कि गीदड़ों से कह दो कि आज जरा घर से बाहर ना निकले, क्योंकि शेर आज वापस आ रहा है। बिहार की जनता की आवाज जिसे बंद करने का प्रयास किया गया, लेकिन सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं। वंदे मातरम। बिहार के 6 शिक्षकों को सरकार ने किया सस्पेंड, गलत तरीके से वेतन लेने का आरोप। बिहार के सासाराम में नौहट्टा प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में कार्यरत 6 शिक्षकों को सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये टीचर्स भवनाथपुर, जयंतीपुर और मधुकुपिया विद्यालय में तैनात थे। इनके ऊपर अनाधिकृत रूप से वेतन की राशि निकालने का आरोप है। इनके ऊपर तथ्यहीन स्पष्टीकरण देने का भी आरोप है। नौहट्टा के प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुराग आदित्य ने यह कार्रवाई की है।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के आदेश पर बीडीओ ने शिक्षकों को निलंबित किया है। इन शिक्षकों पर अनाधिकृत रूप से वेतन की राशि निकालने का आरोप है। जानकारी के अनुसार 20 जुलाई को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नौहट्टा प्रखंड के विद्यालयों की जाँच की गयी थी। बिहार में वैक्सीन नहीं लेने वालों का बंद होगा राशन, कानूनी कार्रवाई भी होगी, डीएम का फरमान जारी। बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की जा रही है, लेकिन इसी बीच एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। डीएम ने एक फरमान जारी किया है जिसके मुताबिक कोरोना का टीका नहीं लगवाने वालों का राशन बंद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कोरोना जांच नहीं करवाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। जिलाधिकारी के इस फरमान के बाद से जिले में हड़कंप मच गया है। दरअसल मामला गया जिले का है। यहां डीएम अभिषेक सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बीडीओ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, एसडीओ, बीईओ, बीपीएम जीविका, सीडीपीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की थी। बैठक में डीएम ने कहा कि जिन लोगों ने अब तक कोरोना का टीका नहीं लिया है उन्हें 1 नवंबर से पीडीएस से राशन नहीं मिलेगा। जन वितरण विक्रेता को निर्देश दिया गया है कि वे उपभोक्ताओं को राशन देते समय टीकाकरण प्रमाण पत्र अवश्य देखें। ऐसे लोगों को समय समय पर कोविड-19 की जाँच करानी होगी। इनकार करने पर उन पर आपदा एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिहार के अस्पतालों में ओपीडी का समय बढ़ा, अब शाम 4 बजे तक होगा इलाज। बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का टाइम टेबल बढ़ा दिया है। राज्य में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अस्पतालों में टेलीमेडिसिन ओपीडी संचालित होगा। इसके माध्यम से डॉक्टर मरीजों को चिकित्सीय सलाह देंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का विस्तार कर दिया गया है। अब esanjeevani.in व ई संजीवनी ओपीडी की सेवाएं सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध रहेंगी। मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पहले esanjeevani.in के माध्यम से सोमवार, गुरुवार व शनिवार और ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से प्रत्येक मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को यह सुविधा मिलती थी, जिसके बाद विभाग के नए फैसले के मुताबिक अब इन दोनों माध्यमों से सेवाएं सोमवार से शनिवार तक मिलेंगी। सेवा की कार्यावधि सुबह 9 बजे से बढ़ाकर 4 बजे तक कर दी गई है, जबकि पहले 2 बजे तक यह सेवाएं मिल रही थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विभाग दूरदराज के इलाकों में रहने वालों को चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध करा रहा है। बिहार में महापर्व छठ को लेकर तैयारी शुरू, 1400 नदी घाट और 3000 तालाब तैयार करेगी सरकार। दुर्गा पूजा के खत्म होने के साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग ने छठ महापर्व को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। करीब 1400 नदी घाट व 3000 तालाबों को छठ से हफ्ते भर पहले तैयार कर लिया जाएगा। नवंबर के दूसरे हफ्ते में ही महापर्व को देखते हुए विभाग ने सभी नगर निकायों को दीपावली तक गंगा घाट तैयार कर लेने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही स्थानीय तालाब व पोखरों को भी अच्छे से साफ सफाई कराई जाएगी। गायों को घाटों के आसपास गंदगी फैलाने पर रोक लगने तथा कचरा इकट्ठा करने को लेकर डस्टबिन की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्थानीय तालाब व पोखरों को भी अच्छे से साफ सफाई कराई जाएगी। विभाग के मुताबिक सूबे के सभी नगर निकायों में मिलाकर करीब 1400 नदी घाट व 3000 तालाबों को साफ सफाई कर सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। उनके संपर्क पथों को भी पक्का या समतल कराया जाएगा ताकि छठव्रतियों को आने जाने में कष्ट न हो। अधिकतर नगर निकायों ने इसको लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दिए जाने की जानकारी विभाग को दी है। पटना में बेतहाशा बढ़े डेंगू के मरीज, राजधानी के यह इलाके बने हॉटस्पॉट। राजधानी पटना में डेंगू के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पटना का शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां डेंगू के नए मरीज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद पटना के कई इलाके अब डेंगू के लिए नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। कंकड़बाग, अगम कुआं, पटना सिटी के बाद अब पुनाईचक, इंद्रपुरी, शिवपुरी और न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी डेंगू का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। पुनाईचक की पोस्ट ऑफिस गली के एक ही मोहल्ले में एक दर्जन से ज्यादा लोगों को डेंगू हो चुका है। इसके बावजूद निगम और स्वास्थ्य विभाग की ओर से उदासीनता बढ़ती जा रही है। इन मोहल्ले में न तो फॉगिंग हो रही है और न ही केमिकल का छिड़काव। पटना की सिविल सर्जन विभा कुमारी के मुताबिक राजधानी के जिन इलाकों में डेंगू के नए मरीज सामने आ रहे हैं उन पर विभाग ने पैनी नजर बनाकर रखा हुआ है। मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए नगर निगम को संबंधित इलाकों में साफ सफाई कराने और नियमित रूप से फॉगिंग करने का निर्देश भी दिया गया है। सिविल सर्जन ने आम लोगों से अपील की है कि वह डेंगू को लेकर सतर्कता बरते और अपने आसपास सफाई भी करे। इस बार बिना पटाखों वाली दिवाली,
पटना समेत बिहार के 4 शहरों में बिक्री पर रोक। दिवाली के मौके पर अगर आप लोग खूब पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको झटका लग सकता है। जी हां, पटना समेत बिहार के 4 शहरों में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया गया है। बीते साल नवंबर महीने में राज्य के 4 शहरों में प्रदूषण की अत्यधिक मात्रा के कारण उन्हें खास कैटेगरी में रखा गया है। इन 4 शहरों में पटाखा बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इन शहरों में मुजफ्फरपुर, पटना, गया व हाजीपुर शामिल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह आदेश जारी किया है। इस फरमान के बाद बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी डीएम और एसएसपी को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा गया है कि पिछली दीपावली के समय इन शहरों के वायु प्रदूषण स्तर का अध्ययन किया गया था। इसमें पाया गया कि दीपावली के समय हवा में PM10, PM2.5, SO2, NO2 के अलावा हानिकारक धातुओं की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एस चंद्रशेखर ने कहा है कि जिन जिलों में पिछले साल वायु प्रदूषण स्तर खतरनाक पाया गया था उनमें मुजफ्फरपुर, पटना, गया व हाजीपुर शामिल है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।